नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर अंडमान ट्रंक रोड के रोड में जहां आपका नेशनल हाईवे अंडमान प्रशासन जो कह रहे हैं नेशनल हाईवे का दृश्य दिखाता हूं। बालाटंक क्षेत्र का एक एक दृश्य आप देखकर खौफ जाएंगे। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, यही है ये अंडमान ट्रंक रोड का, अंडमान का जो नेशनल हाईवे आप कह रहे हैं यही हालत है? हा? सरकार द्वारा अंडमान निकोबार के इतिहास में ये पहली बार ऐसी सड़क का नजारा देखने को मिल रहा है। ये इतनी बुरी हालत, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है प्रशासन और अंधे होकर बैठे हुए। देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया, ऐसी सड़क है, ये है अंडमान ट्रंक रोड। आप समझ सकते हैं इतनी, ये जो आपको जो नजर में आ रहा है इसे आप समझ जाइए कि ये रोड का क्या हालत है। ये मैं एक दृश्य आपको दिखा रहा हूं, पूरे बालाटंक क्षेत्र यही हालत है। मैं प्रशासन से जगदीश मुखी जी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद राय जी से निवेदन करता हूं, आप जनता के जान के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर इस तरह की सड़क में अगर एक्सीडेंट हो जाता है आप सिर्फ शोक प्रकट करेंगे और 1-1.5 लाख रुपए मुआवजा देगा। क्या हम उतने सस्ते हैं हमारी जान की कीमत? आप इस सड़क में आकर दृश्य को आंखों देख हाल देख के जाइए, क्योंकि आप यहाँ जितने भी प्रशासन अधिकारी है और उसके पास वक्त नहीं होगा, क्योंकि आप तो हेलीकॉप्टर में जाएंगे आएंगे, सरकारी ऑफिसर अपनी गाड़ी में आएंगे, सरकार की गाड़ी है। अगर इसमें अगर सरकार की गाड़ी में अगर मरम्मत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो सरकार बना के देगा, लेकिन यहाँ के अंडमान के मूल निवासी जो हम जैसे लोग हैं उनका अगर गाड़ी नुकसान होता है तो हम अपनी जेब में अगर पैसा है तो बन सकता, इलाज करना है तो अपनी जेब में पैसा होगा तो होगा। ये अंडमान प्रशासन हमारे साथ इतना बड़ा क्रूर अन्याय कर रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण करें, मरम्मत करें, अन्यथा एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने के लिए अभी तैयार करने वाला है। मैं प्रशासन से विनती पूर्वक निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी, आप कल्पना कीजिए, इस वीडियो को देख के आप अंदाजा लगा दीजिए कितना दर्द से मैं कह रहा हूं इस बात को कि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। हमें शर्म होना चाहिए कि अंडमान प्रशासन को रोड टैक्स के नाम पे पैसा वसूलने के लिए, माफ कर दीजिए 25 साल तक रोड टैक्स लेना बंद कर दीजिए, ऐसी सड़क का आपने सजा दिया हमें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में इतिहास में पहली बार ऐसी सड़क का नजारा आ रहा है। मैं इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सबका, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे उपराज्यपाल जी का भी आंख खुले और